मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी यात्रियों से भरी बस। अब तक 38 लोगों के निकाले जा चुके हैं शव, राहत और बचाव का काम जारी, मिशन में जुटे हैं एसडीआरएफ के जवान। बस में सवार थे 54 यात्री, प्रशासन के अनुसार सतना जा रही थी बस। बस में से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी हादसे पर ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के लिए व्यक्त की शोक संवेदना, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान। चीन के पेंगोंग में फिंगर 4 की रिज लाइन से हटा चीन, भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। फिंगर 4 पर अस्थायी निर्माण ध्वस्त करते दिखे चीन के सैनिक, अब फिंगर 8 पर रहेगी चीनी सैनिकों की मौजूदगी। समझौते के अनुसार फिंगर 4 से फिंगर 7 तक इलाके में नहीं रहेंगे भारत और चीन के जवान, सुरक्षा बलों से खाली रहेगा पूरा इलाका। समझौते के बाद भारतीय सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर कर रही है वापसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, पूरे इलाके की घेराबंदी। टूलकिट के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, किसान आंदोलन में शामिल था शांतनु। स्पेशल सेल को मिली अहम जानकारी, 20 से 27 जनवरी तक टिगरी बॉर्डर पर था मौजूद। दिशा रवि के साथ पूछताछ में जानकारी मिली, कई नामों का किया दिशा ने खुलासा। पुलिस के अनुसार इनमें से एक महत्वपूर्ण शख्स विदेश में मौजूद, एक अहम किरदार भारत में भी है। दिल्ली पुलिस का दावा, कानून के अनुसार हुई थी दिशा की गिरफ्तारी, अपराध का उम्र से कोई मतलब नहीं। दिशा रवि के समर्थन में सड़क पर उतरा लेफ्ट, यूएपीए को सरकार का टूल किट करार दिया, कहा जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे देशद्रोही और आतंकी करार दे दिया जाता है। बांकुरा में डीवाईएफआई कार्यकर्ता को आज किया गया सुपुर्द खाक, पार्टी के झंडे को बनाया गया कफन, नबाना में प्रचार अभियान के दौरान हुई थी इसकी हत्या। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी ने कराई चादर पोशी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भेंट की प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी गई चादर। मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा निजामुद्दीन के वार्षिक उर्स पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पढ़कर भी सुनाया। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में चूल्हे पर पकाया गया खाना, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने का किया विरोध। यूपी के बहराइच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का किया वर्चुअल शिलान्यास, कहा इतिहास लिखने में हुई नाइंसाफी नहीं भूला जा सकता चौरी चौरा कांड। मोदी ने कहा सुहेलदेव के कार्यों को भुलाया गया, 500 रियासतों का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल को महत्व नहीं दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इतिहास लिखने में नहीं हुआ न्याय। आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था। बहराइच में महाराज सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज का आज पीएम ने किया उद्घाटन। सुहेलदेव स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में बहराइच पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी, राजभर वोटों पर टिकी नजर, योगी मोदी का काम को सराहा गया, आज यूपी में लगाए जा रहे हैं तमाम उद्योग। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा पर राजनीति, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया स्कूलों में पूजा नहीं करवाने का आरोप। दिल्ली में सरस्वती पूजा के उद्घाटन समारोह में भी राजनीतिक होड़, बीजेपी और डीएमसी ने बांग्ला सुपरस्टार्स को दिया न्योता। बंगाल में जगह जगह सज गए सरस्वती पूजा के पंडाल, कई जगह टीएमसी के पंडालों में ममता सरकार की योजना का प्रचार। मुंबई दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मिथुन चक्रवर्ती मिले, मिथुन ने कहा भागवत से आध्यात्मिक रिश्ता। ममता सरकार पर राज्यपाल धनखड़ का निशाना, पूछा सरकार के खर्च 47% तक कैसे बढ़ गए। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप, पश्चिम बंगाल में अब तक 135 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। दिलीप घोष का आरोप, ममता सरकार ने मृतकों के परिजनों की नहीं की कोई मदद, बीजेपी लेगी उनकी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में डीएमसी विधायक के घर और दफ्तर पर हमला, जमकर तोड़फोड़।
केंद्रीय विधायक ने कहा मास्क पहनकर आए थे 150 से ज्यादा लोग, लाठी डंडों से कर दिया हमला। ममता जी 5 रुपए में भोजन योजना का बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने उड़ाया मजाक, टीएमसी की दीदी दूत यात्रा को बताया यमदूत। कांग्रेस ने उठाया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा, अधीर रंजन चौधरी ने जड़ा राजनीतिक छक्का। मोदी जी ने फैसला कर लिए हैं कि विराट कोहली नहीं, मैं सबसे आगे सेंचुरी मारने वाला। अधीर रंजन का आरोप, निर्दयी सरकार ने कोरोना काल में तेल पर टैक्स से लूटा 24 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा। अधीर रंजन का मुख्यमंत्री ममता परवार बोले ममता शायद ये सोचती हैं बंगाल में सभी कंगाल हैं, रेप हो तो ममता पीड़ित को पैसे का भरोसा देती, युवा रोजगार मांगे तो पैसा बांटती। अधीर रंजन ने कहा पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जाना तय। अधीर रंजन ने ममता की नीतियों के विरोध के साथ ही उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का दिया ऑफर, कांग्रेस का हिस्सा बने टीएमसी फिर ममता के बारे में सोचेंगे। अरे टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता अभी भी वक्त है कि टीएमसी पार्टी को छोड़कर धड़ल्ले से ज्यादा देर मत करो, कांग्रेस में शामिल हो जाओ अगर बचना है तो। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता की मां की रसोई योजना का उड़ाया मजाक, कहा ममता राज में भुखमरी के कगार पर पश्चिम बंगाल, तभी 5 रुपए में भोजन देने की आई नौबत। कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने किया सवाल, दिशा ने कौन सा ऐसा अपराध किया जिससे देशद्रोह के तहत उस पर कार्रवाई आपने की। किसान आंदोलन का आज 83वां दिन, सिंह बॉर्डर पर आज भी डटे हैं आंदोलनकारी किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कांग्रेस नेता विद्या रानी की शराब की मदद वाले बयान का किया विरोध, कहा किसानों पर ऐसी बयानबाजी न करें नेता, आंदोलन में शराब का क्या काम। तो है नहीं तो कोई यहाँ पी लगाने का आंदोलन में, इसका बहुत तो है नहीं, रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का इसका बहुत। कल हरियाणा के जींद में कांग्रेस नेता विद्या रानी ने की थी अनोखी मांग, कहा किसानों की मदद करो चाहे पैसा दान करो या शराब बांटो। जितनी भी हिम्मत है चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, किसान जान रहा है 3 नए कानून तबाह कर देंगे उसकी जिंदगी, इसीलिए आंदोलन में झोंक रहा है अपनी ताकत। सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म धोनी में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने की आत्महत्या, कमरे में पंखे से लटका मिला शव, सुशांत की मौत की तरह संदीप की मौत से जुड़ा है सीक्वेंस। संदीप गोरेगांव वेस्ट के वसुंधरा अपार्टमेंट में रहते थे, पति पत्नी के अनुसार शाम को उन्होंने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, खटखटाने पर नहीं खोला। पत्नी के अनुसार दरवाजा जब नहीं खुला तो उन्होंने फ्लैट के मालिक और संदीप के एक दोस्त को दी जानकारी, बाद में कारपेंटर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। पुलिस ने कहा अभिनेता संदीप ने फेसबुक पर अपडेट किए वीडियो में कई बार पारिवारिक परेशानियों का किया था जिक्र, तफ्तीश जारी। आजमगढ़ में बीएसपी नेता कलामुद्दीन की हत्या, 3 गोलियां दाग कर फरार हुए अपराधी, कलामुद्दीन ने निजामाबाद विधानसभा से 2 बार लड़ा था चुनाव। बहराइच के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सेलिब्रिटीज पर ट्वीट का दबाव बनाने की जांच के दौरान सामने आए 12 नाम, इनमें बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख भी शामिल। गुजरात दंगे के 19 साल बाद मुख्य आरोपी रफीक हुसैन को गिरफ्तार किया गया, दंगे के दौरान साबरमती एक्सप्रेस में जला दिए गए थे 59 कार सेवक। आगरा में कबड्डी मैच खेलने के दौरान स्टेडियम में अलीगढ़ के खिलाड़ियों से छेड़छाड़, मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टेडियम से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तरन तारण में मामूली विवाद में पिता ने की बेटी की हत्या, मार दी गोली। गुना में पति को छोड़ने वाली भील समुदाय की महिला को दी गई अजब सजा, महिला को देवर के कंधे पर बैठाकर चक्कर लगाने को किया गया मजबूर। बिहार के कैमूर में बस की ट्रक से टक्कर, 1 की मौत 16 घायल। पटना से वाराणसी जा रही बस सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई बस। रायगढ़ में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कर गाड़ियों की टक्कर, 5 की मौत।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने महोली में बड़े शराब तस्कर को दबोचा। ट्रक से अवैध शराब की बिहार में किया करता था सप्लाई। बदायूं में बर्ड फ्लू की दहशत, एक मुर्गे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, तीसरे चरण के ट्रायल के पहले कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये के कारण कोरोना वैक्सीन के 72,000 डोज पर मंडराया संकट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विशाखापट्टनम में बस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, सभी तरह की मदद का दिया भरोसा। सोलन में मतगणना केंद्र के पास कूड़े के ढेर में मिले मोहर लगे मतपत्र, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार कुंभ में 3 अखाड़ों ने की धर्म ध्वजा नगर प्रवेश और पेशवाई की तिथि घोषित, प्रशासन के साथ बैठक के बाद तारीखों पर अंतिम फैसला। राजकोट में निकाय चुनाव में प्रचार से जुड़ी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा, मुख्यमंत्री रूपाणी की पत्नी अंजलि बेन के साथ किया प्रचार। बरेली के सेक्रेट हार्ट स्कूल में आग। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन से भारत में एक भी मौत नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया। कोरोना वैक्सीन को सेफ्टी टेस्ट के पास करने पर मिला अप्रूवल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा नहीं होनी चाहिए कोई भी शंका। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटों में 80 लोगों की मौत। मुंबई में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। बेंगलुरु में कोरोना का डबल अटैक, 40 छात्र पॉजिटिव। वसंत पंचमी पर आज हरिद्वार में भक्तों ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में आज वसंत पंचमी पर संगम तट पर जुटे श्रद्धालु, संगम में किया पवित्र स्नान। वसंत पंचमी पर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में हवन पूजन, वसंत उत्सव का आरंभ हुआ। वसंत पंचमी पर आज से ब्रज में 40 दिन की होली की शुरुआत, प्रमुख मंदिरों में जमकर उड़ता है गुलाल। किन्नौर में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, हिमाचली धुन पर थर गए खिलाड़ी। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ शादी की, समारोह में पहुंचे सितारे। अभिनेत्री अदिति राव हादरी भी दिया की शादी में पहुंची, बैनर पहुंचकर दिया और वैभव को दी बधाई। अंधेरी में नजर आई डांसर नूरा फतेही, डांस रिहर्सल करने पहुंची थी नूरा, मास्क हटाकर दिए फोटो खिंचवाने के लिए पोज। बैंड्रा में करण जौहर के घर पहुंचे अभिनेता रणबीर कपूर, कैमरे में कैद होने पर दिखाया विक्ट्री साइन। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने पिता रणधीर कपूर को दी जन्मदिन की बधाई, पहुंची थी पिता के घर। टीम इंडिया ने चेन्नई में इंग्लैंड से वसूला लगान, दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रनों से करारी शिकस्त दी। दूसरी बारी में 164 रनों पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम, 6 बल्लेबाज नहीं छू सके दहाई का भी आंकड़ा। टेस्ट में डेब्यू करने वाले अक्षय पटेल ने दूसरी पारी में लिए 5 विकेट, 3 रनों से कम रहा इकोनॉमी रेट, पहली पारी में अक्षर को मिले थे 2 विकेट। दूसरे टेस्ट में आर अश्विन ने किया धमाल, कुल 8 विकेट झटकने के साथ टीम इंडिया की दूसरी पारी में जड़ा था शतक, बने मैन ऑफ द मैच। टेस्ट सीरीज में अब 1-1 से बराबरी पर टीम इंडिया, 24 फरवरी से अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेला जाएगा डे नाइट मुकाबला। दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना का ग्राफ कम नहीं, अब तक संक्रमितों की संख्या 10,94,00,000 के पार। रूस की कार्गो शिप के जरिए इंटरनेशनल स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजा जरूरी सामान। ग्रीस में टूटा बर्फबारी का 12 साल का रिकॉर्ड, सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित, कई इलाकों में घंटों से बिजली नहीं। मूसलाधार बर्फबारी से -20 डिग्री तक गिर गया है ग्रीस का तापमान, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं, सड़कों से
बर्फ हटाने का काम जारी है। सेंट्रल अमेरिका के देश मनागुआ में एक सेरेमनी में 400 शादियां एक साथ हुई। स्थानीय रेडियो स्टेशन ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया।